वो अगले एक मिनट में ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, वही आपको प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, देखिए कुछ हेल्प भी होना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा, यूं ही तो आप नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं यस ट्रेड के बारे में। इस एप्लीकेशन को आप लोग कैसे यूज़ करेंगे और कैसे यहाँ से आप लोग पैसा अर्न कर सकते हैं, क्या यहाँ पे डिपॉजिट करना सेफ है या फिर नहीं, उसके ऊपर भी बात करने वाला है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च एक एप्लीकेशन है, अभी के टाइम पर देख सकते हैं 4 जनवरी को आपको देखने को मिल जाएगा इसका लास्ट अपडेट। और यहाँ पर डाउनलोड्स की बात करें 500+ डाउनलोड देखने को मिल जाएगा, रेटिंग वगैरह अभी के टाइम कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनुअल गाइडेंस देखने को मिल जाएगा, तो उसको आपको हमेशा की तरह स्किप कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, आपको 2 अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक हो गया रियल अकाउंट, एक हो गया डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट में जो है कि 10,000 रुपये आपको दिया जाता है, जिससे कि आप अपना एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। अभी के टाइम पे बात करते हैं आप लोग पैसा कैसे कमाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग करके बेसिकली पैसा आप लोग कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए इससे पहले भी अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग किया है तो बिल्कुल उसी की तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ग्राफ को एनालाइज करना होता है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपको प्राइस को प्रेडिक्ट करना दिखाता है कि इसका प्राइस है कितना, अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, वही आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट करना है अगले एक मिनट के लिए। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो फिर आपको पैसा मिल जाएगा, अगर गलत होता है तो फिर आपका पैसा यहाँ पे चला जाएगा। तो सिंपल तरीके से मैं अभी के टाइम पर आपको ट्रेडिंग करके दिखा देता हूँ कैसे ट्रेडिंग करना है। सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर एसेट को चूज़ करना पड़ेगा जिस एसेट में आपका एक्सपीरियंस है। अगर बिना कोई एक्सपीरियंस के अगर आप यहाँ पे एसेट में यूं ही ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे तो फिर आपका नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। वोलेटिलिटी 100 इंडेक्स में आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 80% का मुनाफा दे रहा है और काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एसेट, ठीक है। अभी के टाइम पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50% का जो आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है जिस भी एसेट में, उस एसेट में बिल्कुल भी आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। 50% का प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आपका पक्का नुकसान ही होगा, प्रॉफिट यहाँ पर आप बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन होता है बेसिकली यहाँ पे जो है कि 60% से ऊपर, मैं तो सजेस्ट करूँगा 70% से ऊपर ही आपको जो है कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप उसके नीचे करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप लोग कभी भी पैसे को विड्रॉल कर ही नहीं पाएंगे, ज़्यादातर आपका नुकसान ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं वोलेटिलिटी 100 इंडेक्स का जो है उसी को मैं अभी के टाइम पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80% का मुनाफा मुझे अभी के टाइम पर जनरेट करके दे रहा है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए उसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेने के लिए टाइम लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो ग्राफ है वो आ चुका है। अभी के टाइम पे इस ग्राफ को एनालाइज करना पड़ेगा, जो इसका प्राइस है वो अगले एक मिनट में ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ आएगा, वही आपको प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, देखिए कुछ हेल्प भी होना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा, यूं ही तो आप नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री चेकिंग का ऑप्शन। तो मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो 30 मिनट का आप हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं कि 30 मिनट में कितना ज़्यादा हाई बनाया था कितना ज़्यादा लो बनाया था, ठीक है। हर एक एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे, दूसरे एप्लीकेशन में आपको 1 घंटे तक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम फीचर आपको देखने को मिल जाता है 30 मिनट का ही। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग 30 मिनट को ही ग्राफ एनालाइज करने के बाद लगा देते हैं ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में कैसे लगाना है देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं एक बार में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 100 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये सिलेक्ट कर दिया है। 100 रुपये सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है ये हमेशा आपको ऑन करके ही रखना है, नहीं तो रिकन्फर्म करने का ऑप्शन आता है। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि इसका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि नीचे की तरफ जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा नीचे की तरफ लगा दूंगा। तो देख सकते हैं 100 रुपये मैंने यहाँ पे लगा दिया है नीचे की तरफ। अगले एक मिनट में ये इसका जो प्राइस है वो अगर नीचे की तरफ नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर मेरा यहाँ पे मुनाफा हो जाएगा। अगर मुनाफा होगा तो कितना होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये मैंने लगाया है, 80% के हिसाब से 80 रुपये का मेरा यहाँ पर मुनाफा हो जाएगा। तो देखते हैं मुनाफा होता भी है या फिर नहीं। देखिए ग्राफ को अच्छे से आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप ग्राफ को अच्छे से एनालाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान ही ज़्यादा होगा, मुनाफा होने का चांसेस
काफ़ी कम हो जाता है। देख सकते हैं लगभग यहाँ पे ख़त्म होने को आया है ग्राफ, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मेरा यहाँ पे नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ को अच्छे से एनालाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ पे आप डिपॉजिट कैसे करेंगे और विड्रॉल कैसे करेंगे, डिपॉजिट करना सेफ़ है या फिर नहीं। देखिए अभी के टाइम पे रिसेंटली लॉन्च एक एप्लीकेशन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी के टाइम पे मेरा नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट करना सही रहेगा या फिर नहीं, देखिए अभी के टाइम पे रिसेंटली लॉन्च एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे डिपॉजिट करना हाई रिस्क ही बन जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो एसेट है वो एसेट भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे ढेर सारे एसेट देखने को मिलेगा, लेकिन 80% का जो एसेट है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा है, बाकी 50% से मतलब 50% एसेट ही आपको ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे अभी के टाइम पे कुछ भी रेटिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे डिपॉजिट करना हाई रिस्की हो जाता है। और जो डिपॉजिट पैसा आप करेंगे यहाँ पे, जो पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उस डिपॉजिट किए हुए पैसे को आप बिल्कुल भी विदड्रॉल नहीं कर सकते, उस पैसे से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग करने के बाद जो पैसा आप कमाएंगे उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ आप विदड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो विदड्रॉल लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 300 रुपये, 300 रुपये जब तक आपके पास नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे विदड्रॉल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपये देखने को मिल जाएगा मिनिमम डिपॉजिट। ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आ जाइए, मैं एक एप्लीकेशन आपको सजेस्ट कर सकता हूं जिसमें आप लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल जाएगा क्योंकि ढेर सारा फीचर है, तो अच्छे से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा फीचर को, नहीं तो वहां पे भी आपका नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो जाइए टेलीग्राम पे, आप सभी को ज्वाइन हो जाना है अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा, अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।